पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा लीवर वर्ड के बारे में पढ़ा था, अब हम मोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मोसेस इज वन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीवर वर्ड और मोसेस। तो लीवर वर्ड हम पढ़ चुके हैं, मोसेस आज पढ़ना है। सो दिस इज मी शाल अनुरागी एंड बिफोर एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। सो मोसेस जो है, मोसेस की प्रीडोमिनेंट जो स्टेज है वो गेमेटोफाइटिक होती है। मतलब कि जो मोस्ट जो देखी जाने वाली जो क्या नाम है स्टेज होती है, गेमेटोफाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब कि जब स्पोर्ट्स फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो डायरेक्ट बॉडी बनती है उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनोमा बोलते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये क्रीपिंग, मतलब कि ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, ग्रीन कलर के ब्रांच्ड और मतलब कि फिलामेंटस टाइप की स्टेज की। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है ब्रायोफाइट्स की, मोसेस की, ठीक है, जो डायरेक्टली स्पोर्स से बनते हैं, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेज, प्रोटोनोमा स्टेज। जो प्राइमरी जो प्रोटोनोमल स्टेज है इनकी, मोसेस की, वो डायरेक्टली स्पोर्स से क्रिएट होती है, डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप होती है। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोटोनोमल स्टेज होती है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, कई बार जो उनकी बड्स वगैरह होती हैं या कोई ऐसा पार्ट जो है वो टूट गया है उससे डेवलप्ड हो जाती है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है जी। ये बड्स से या कोई ऐसा पार्ट है जैसे फ्रेगमेंटेशन में होता है उस तरह का कुछ ऐसा होता है इनका सेकेंडरी प्रोटोनोमा का, बट मोस्टली ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है ये जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा बनता है। ये काफ़ी एडवांस है वैसे तो सेकेंडरी प्रोटोनोमा। और जो सेकेंडरी जो स्टेज होती है जिसको सेकेंडरी प्रोटोनोमा बोलते हैं, ये क्या होता है कि इसमें लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या नाम है लीफ होंगी थोड़ी, क्या नाम है ये झालर से लटकी हुई यहाँ पर, सेकेंडरी प्रोटोनोमा से बनती है ये, और इसमें लिटिल बड्स वगैरह क्रिएट होती हैं, ठीक है जी। हाँ, और ये स्पाइरल शेप में इस तरह की, जैसे यहाँ दिखा रखी है, इस तरह की होती हैं ये सोयल से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। चीज़ से ये सोयल से अटैच होती है इसको रिजॉर्ट्स बोलते हैं। जिस चीज़ से ये सोयल से अटैच होती हैं, एक किस्म की ये लगा लो रूट तो नहीं होती बट रूट टाइप की होती है, रिजॉर्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा है इस स्टेज में क्या होता है, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स मिल जाते हैं, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से होता है सेकेंडरी प्रोटोनोमा के अंदर। मसल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके पास एंथ्रीडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोन यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन दो होते हैं, और ये इनके अपेक्स पे, मतलब यहाँ पर इनके टॉप मोस्ट पार्ट पर मिलते हैं जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है इनका, वो स्पोरोफाइट्स यानी कि जो स्पोर्स क्रिएट करेंगे, और फूट और सेटा कैप्सूल इनमें डेवलप हो जाता है। ये हमने पिछले उसमें पढ़े थे, अगर आपको ना अगर ध्यान ना हो तो देखो यहाँ पे ये जो क्या नाम है लीवर वर्ड का पार्ट होता है ये इस तरह कैप्सूल बनता है, और इसका ये नीचे वाला पार्ट इसको सेटा बोलते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या नाम है डेवलपमेंट होता है तो एक किस्म का ये भी ब्रायोफाइट्स ना, ठीक है। तो जब जायगोट डेवलप होगा तो स्पोरोफाइट्स फूट और सेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जनरली स्पोरोफाइट जो होते हैं मोसेस के अंदर वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, मोर इलेबोरेट होते हैं, मोर डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लीवर वर्ड, ठीक है जी। तो ये इनका ये प्लस पॉइंट है, क्या नाम इनका मोसेस का। कैप्सूल जो होते हैं उनके पास स्पोर्स होते हैं जो हमने ऊपर देखा था, और स्पोर्स जो बात क्या नाम है स्पोर्स जो बनते हैं मियोसिस से बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, उनके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है जी। मोस जो है उनके पास अच्छा मैकेनिज्म होता है डिस्पर्जल का, सीड डिस्पर्जल का, मतलब कि जो सीड्स होते हैं उनके वे कैसे डिस्पर्ज होंगे, कैसे फैलेंगे। और ये एग्जांपल्स है फिनोरिया, पॉलिट्रिकम इस तरह के दिखते हैं, और स्फैग्नम इस तरह के दिखते हैं,